द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, युक्रिस्त के बलिदान से प्रेरित पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करें और रोगावस्था में सांत्वना पाए। हे दयामय प्रभु, यह नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र क्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाए और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एकता में युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अब सदैव फादर विषम और जैक्सन बाहरी चिन्ह के रूप में अपने जीवन में प्रथम बार निस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए वस्त्र धारण करेंगे। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और के सामर्थ्य से अभ्यंजित किया है, वही प्रभु यीशु क्रिस्त आपको सुरक्षित रखें, जिसने आप क्रिस्ती प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर के बलिदान चढ़ा सकें। का मुख्य कार्य
परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोटी और गाकरस को अपने शरीर और लहू में बदलने और इसका बलिदान चढ़ाने की शक्ति दी थी। अब धर्माधीश नवदीक्षित पुरोहितों को इसका बलिदान चढ़ाने के लिए तले और दाखरस भरा कटोरा प्रदान करेंगे। प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को समर्पित किया जाएगा, जो धार्मिक जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा, जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। अब नवपिशित पुरोहित सर्वप्रथम धर्माधीश तथा अन्य पुरोहितों के साथ और अपने माता पिता से शांति का अभिवादन आदान प्रदान करेंगे और धर्माधीश एवं पुरोहित भाइयों यह ईश्वर की प्रजा के साथ मिलकर प्रथम बार निस्सा विदान चलाएंगे। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। Yeah.
सब मिलकर अपना विश्वास प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और तुम्हारे वचन से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, तू चाहता है कि पुरोहितगण भक्ति से पूजा पाठ संपन्न करें और तेरी प्रजा की सेवा नम्रता पूर्वक करें। इस पावन बलिदान के फलस्वरूप ये सेवक अपनी परिचर्या द्वारा तुझे निरंतर प्रसन्न करें और कलीसिया को नव अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त अपने एकलौते पुत्र को नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया है कि कलीसिया में उनकी एकमात्र पुरोहिताई निरंतर बनी रहे। प्रभु क्रिस्त निजी प्रजा को याजकीय गौरव से सुसज्जित करते हैं और साथ साथ भ्रातृ प्रेम से ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। ख्रिस्त के नाम पर ये मुक्ति का बलिदान संपन्न करें, तेरी संतान को पास्का भोज से पोषित करें तथा अपने उदार सदाचरण से तेरी पवित्र प्रजा को प्रदर्शन देते रहें, उसे उपदेश द्वारा सुशिक्षित करें और संस्कारों से पुष्ट बना दें। ये प्रभु क्रिस्त के सदृश भाई बहनों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्योछावर करने से न हिचकें तथा अटल विश्वास और सच्चे प्रेम में तेरे साक्षी सिद्ध हो। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए गाते हैं। Thank you.
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवंतता पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा से निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कारण जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम,
तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑस्वर्ल्ड, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, इन सेवकों को जिन्होंने आज पुरोहित अभिषेक का अभिषेक को ग्रहण किया है, सारे याजक वर्ग तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सर्वव्यापी पिता तू महान है।
से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ ही। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम लोग जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं।
priest, and that will be followed by a dinner. Thank you. हे प्रभु हमारे स्वामी जिस पावन रोटी को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है यह तेरे नव अभिषिक्त पुरोहितों तथा इन भाई बहनों को नवस्फूर्ति प्रदान करें हम सच्चे प्रेम में तुझसे सदा संयुक्त रहें और तेरी सेवा उदारता से कर सकें यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है वह अपनी कृपा से आप लोगों को निरंतर सुरक्षित रखें जिससे आप लोग ईमानदारी से प्रेरित कार्य निभा सकें ईश्वर करें कि आप लोग दुनिया में दिव्य प्रेम और सत्य के समर्थक तथा साक्षी बने और मेल मिलाप के विश्वस्त सेवक बने रहे आमीन ईश्वर आप लोगों को उदार चरवाहा बनने की कृपा दें जिससे आप लोग जीवनदायक रोटी और ईश वचन से विश्वासियों को तृप्त करें तथा हम सब क्रिस्त में संयुक्त होकर एक ही आध्यात्मिक शरीर बन जाए सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें अब नवाभिषिक्त पुरोहित अपनी पुरोहितनाई की पहली आशीष हम पर बरसाएंगे प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें आमीन आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं ईश्वर को विशाल है तू महान है तेरी सृष्टि सारा जहान है विशाल है तू महान है तेरी सृष्टि सारा जहान है तू विशाल है उसे थाम कर अनुभव से तेरी सृष्टि सारा जहान
तू विशाल है। मेरे आंसुओं को जमा करो, कोई भूल हो तो क्षमा करो, मेरे आंसुओं को जमा करो। पास मेरे वेदना, पास मेरे वेदना, तू ही सांस है, तू ही प्राण है। Thank you.